उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपका इसमें गिरामी आयशा, लकब सिद्दीका और हुमैरा, और कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला है। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हैं और आपकी वालिदा का नाम उम्मे रुमान ज़ैनब है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद कुरैशी और वालिदा मोहतरमा कनानिया कबीले से ताल्लुक रखती थी। चूंकि आपने इस्लाम के पाकीजा माहौल में ही आंख खोली और बचपन से ही बेहद ज़हीन व फतीन और इंतहाई बा अदब खातून, बहुत बड़ी आलिमा फाजला और इल्म हदीस की माहिर थीं। इल्म तारीख व अदब विरासत में मिला और वालिद गिरामी से मुख्तलिफ उलूम व फनून में महारत हासिल की। आप दुनिया की उन खुशकिस्मत तरीन खवातीन में से हैं जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से मुंसलिक होकर उम्मुल मोमिनीन के एजाज से मुशर्रफ हुईं। आपकी जिंदगी का हर हर लम्हा अताअत इलाही और ताज़ीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसर होता था। एक मौके पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ए आयशा आपको सलाम कहा। आपका शुमार ख्वातीन इस्लाम में आला दर्जे की तालीम याफ्ता ख्वातीन में होता है और आप मसनद अफ्ताब पर फाइज थीं। आपकी इल्मी और तहकीकी राय को सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के यहाँ बहुत अहमियत दी जाती थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से तकरीबन 2210 अहादीस मुबारक मरवी हैं जो तारीख इस्लाम में एक रोशन बाब है। कसीर तादाद में आपके भांजों और दीगर रिश्तेदार महरम सहाबाए कराम ने आपसे इल्म हासिल किया। अल्लाह ताला ने आपकी शराफत और जनाबत की गवाही देते हुए आपकी शान को बयान करते हुए कुरान करीम की आयात करीमा नाजिल फरमाई। आपने 17 रमजानुल मुबारक 57 हिजरी में विसाल फरमाया और आपका मजारे मुबारक जन्नतुल बकी शरीफ में है। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त हम बदर में मौजूद हैं। आपने देखा ये सामने सफेद कलर की आपको मस्जिद नजर आ रही है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद आरीश है। आरीश कहते हैं खैमे को, छप्पड़ को। यही वो जगह थी सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वासहाबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा का खैमा मुबारक लगाया गया था, जहां से आप बदर का पूरा मुआयना कर रहे थे। आप देखें एकदम खामोशी छाई हुई है फिजाओं में। पीछे आगे हम इंशाल्लाह आपको जबले मलाइका भी बताएंगे, जो फरिश्ते जहां पर नाजिल हुए थे हजार की तादाद में और दूसरी जगह 5000 की तादाद में जिक्र किया है। इस वक्त हम आपको एक बहुत अहम तारीखी जगह बताने जा रहे हैं। ये बदर का वो कुआं है मस्जिद आरीश के अकब में, जो एक मैदान है। जब गजवा हुआ और जब जंग हुई उसके बाद जो 70 कुफार यहां पर जो मारे गए थे, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 70 के 70 को, जिनमें सबसे बड़ा उनका सरगना और उनका जो बड़ा था अबू जहल था, तो उसे भी और उसके साथ जो 70 थे उनको इसी कुएं में डाल दिया गया। वो 70 के 70 इसी कुएं में डाल दिए गए। आप अलैहिस्सलाम ने 3 दिन यहां कयाम फरमाया। उसके बाद जब आप अलैहिस्सलाम वापस होने लगे तो आपने यहां पर आवाज देकर इनसे दरियाफ भी किया था, आ गई कि अब तुम हकीकत से वाकिफ हो गए, जिस पर उलमा ने और फुकहा ने मुस्तकिल सिमाए मौता के मसले का इस हदीस के तहत तफसील लिखी है और अर्ज की है। बहरहाल ये बदर का वो वसी अरीज मैदान है पर हम मौजूद हैं माल अहलो आयाल के। मस्जिद आरीश बदर की बड़ी मस्जिद यहाँ मौजूद है और इसी के साथ ये कुआं जिसमें अबू जहल और 70 को डाला गया था, ये वो कुआं है। दरख्त के तने भी आप देख रहे हैं और ये वसी आरीश मैदान बदर का मस्जिद आरीश, और ये दरख्त खजूर के और एक खामोशी और एक फिजाओं पर सन्नाटा आज तक तारी है। अभी बदर की बस्ती से हम गुजरे थे, एक खामोश फिजाएं आज भी बदर में मौजूद हैं।
उन 14 सहाबा की कब्रों पर भी हाजिरी हुई जो बदर में शहीद हुए थे, उनमें से 13 यहीं पर मकबरे में एक जगह मदफन है, एक ऊंची से टीले पर पत्थरों की एक बाउंड्री के साथ। आमतौर पर बसें जब पहुंचती हैं बदर और वो सलाम अर्ज करती हैं तो दीवार सामने होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने अपने फजल से उस जगह पहुंचाया जहां आमतौर पर आने वाला नहीं पहुंचता। हमारे रहबर के साथ आज वहां पहुंचे और उन हजरात साहबे किराम की कब्र पर सलाम भी अर्ज किया, वहां दुआ भी की। और अब यहां पर इस वक्त हम बदर के इस मैदान में मौजूद हैं, मस्जिद आरिश के बिल्कुल अकब में मौजूद हैं। और ये कुआं जहां पर कुफार मक्का के 70 जो कत्ल हुए थे उनको डाल दिया गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर सहाबा की दुआओं को कबूल किया और फौरन अपनी मदद नाजिल फरमाई। इस मुबारक सरजमीन पर हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जहां जहां उम्मत मुस्लिमा बेबस और बेकस है, परेशान है, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाए। और जैसे सहाबा की फरियाद को रब ने यहां सुनकर फौरी मदद नाजिल की थी, रब करीम अपनी मदद को नाजिल फरमा दे। हम इन शहदाए बदर के सदक़े में अपने रब से दुआगो हैं कि अल्लाह उम्मत की इनफरादी और इज्तिमाई परेशानियों को दूर फरमा दें। जज़ाकुम अल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आखिर में हमारे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।